नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार सस्पेंशन और उसमें होने वाली व्हील अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कार सस्पेंशन क्या है। तो कार सस्पेंशन में एक बहुत जरूरी चीज होती है नकल। ये नकल बोलते हैं, और ये ही नकल हमारे सस्पेंशन के जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ती है, और ये हमारा व्हील से कनेक्ट होता है। तो ये नकल इस शेप की होती है लगभग, इसमें ये चीज़ इधर निकली रहती है और ये इधर और ये इधर, और ये इसमें बीच में होता है आपका हब, और उसके बाद में ये आपका हो गया ब्रेक डिस्क, और इस पे ही हमारा लगा रहता है ये व्हील। अब सस्पेंशन में क्या होता है, सबसे पहले इसमें यहाँ पर जुड़ा रहता है टायरोड एंड। ये टायरोड एंड है, और टायरोड एंड उसके बाद होता है ये बॉल जॉइंट, इसमें एक बॉल होती है इसीलिए इसे बोलते हैं बॉल जॉइंट। और उसके बाद ये स्टीयरिंग रैक हो गया हमारा, और यहाँ सबसे नीचे जुड़ा रहता है आपका चिमटा। चिमटा ज्यादातर इस शेप में मिलता है आपको, और ये बीच में जुड़ा रहता है आपका एक्सल। और यहाँ पर जुड़ा होता है शॉकर। इस तरह से हमारी कार का सस्पेंशन होता है। अब ये समझना क्यों जरूरी है, अगर आप मैकेनिक हैं तो इसको समझने के बाद आप एक व्हील अलाइनमेंट या गाड़ी का सस्पेंशन का काम एक आसानी से कर सकते हैं उसको समझकर। अगर अगर आप कार ओनर हैं या एक ड्राइवर हैं, तो अगर आपको सस्पेंशन के बारे में जानकारी है तो आपको कोई मैकेनिक बेवकूफ़ ना बनाए, इसके लिए ये भी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें व्हील अलाइनमेंट के एडजस्टमेंट के बारे में, और उसके बारे में और उसमें सबसे पहले लेते हैं कैम्बर। हम सबसे पहले जब व्हील अलाइनमेंट करते हैं गाड़ी की, तो कैम्बर के बारे में सोचते हैं कि कैम्बर कहाँ से एडजस्ट होगा। तो ये देखिए शॉकर है, ये हमारा कैम्बर का एंगल होता है, यानी सस्पेंशन में ये कैम्बर का एंगल बनाता है। उसके बाद ये लोअर आर्म है चिमटा, ये भी कैम्बर का एंगल बनाता है। जब यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये नकल आगे पीछे होती है, और नकल के साथ हमारा व्हील भी अंदर बाहर होता है, जिससे हमारा कैम्बर एडजस्ट होता है। यानी व्हील अगर अंदर है या बाहर है उसको बोलेंगे हम कैम्बर। तो कैम्बर हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अगर उसमें एडजस्टमेंट है या नहीं है। इसके बाद हमारा चिमटा होता है, तो चिमटे का ये वाला जो भाग है ये हमारा एडजस्ट करता है कैम्बर को, और ये वाला जो भाग है ये करता है कैस्टर को। कैम्बर को कैसे करेगा कि जब यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये व्हील को अंदर बाहर करेगा, यानी चिमटा इधर आएगा तो व्हील भी इधर आएगा, तो यहाँ से व्हील अंदर चला जाएगा, और जब चिमटे को हम एडजस्ट करेंगे और चिमटा अंदर गया तो व्हील को भी अंदर ले जाएगा, तो व्हील हमारा बाहर से ऊपर से बाहर हो जाएगा, यानी कैम्बर को एडजस्ट करेगा। तो ये दो पार्ट हैं हमारे कैम्बर एडजस्टमेंट के बारे में। अब इसमें एडजस्टमेंट हम कहाँ से देखते हैं, कि अगर चिमटे में आपका ये जो चीज इसमें जुड़ा रहता है चिमटा, तो यहाँ पे जो बुश में एक एडजस्टमेंट दी जाती है, बासर दिया जाता है जो नट में ही फिक्स होता है, और उसके
उसमें एक लॉक भी दिया जाता है जिसको हम आगे पीछे करने से ये हमारा चिमटा मूव करता है। शॉकर के द्वारा कैसे करते हैं कि इसको हम ऊपर वाला और नीचे वाला नट लूज करते हैं और नट लूज करने के बाद इसको एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो ये हमारी नकल आगे पीछे होती है, अंदर बाहर होती है, तो इससे हमारा कैमर होता है। तो ये दो पार्ट हैं जो आप इसमें कैमर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैस्टर की। तो कैस्टर में ये एडजस्टमेंट यहाँ से होती है, अगर हमारे चिमटे में एडजस्टमेंट है, इसको हम मूव करा सकते हैं, तो हमारा कैस्टर क्या है, कैस्टर टायर को आगे पीछे हम साइड से देखें तो आगे है या पीछे है ये होता है। तो जब हम यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं तो ये व्हील को या नकल को आगे या पीछे धकेलता है, जिससे हमारा व्हील भी आगे पीछे होता है। इसके अलावा किसी किसी गाड़ियों में एक जंपिंग रोड होती है, जंपिंग रोड में यहाँ नट लगे होते हैं और ये चेचिस में फिट होती है, तो इसके द्वारा हम जिसको आगे पीछे करते हैं तो इससे भी हमारा व्हील आगे पीछे होता है। तो ये सस्पेंशन के आधार पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, किसी गाड़ी में किसी तरह का सस्पेंशन है, किसी गाड़ी में किसी तरह का सस्पेंशन है। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो आती है हमारी व्हील अलाइनमेंट की, टो एडजस्टमेंट। और टो एडजस्टमेंट हम करते हैं यहाँ से, यानी ये एंड लगा हुआ है यहाँ पर और एंड फिट होता है टायरोड में चूड़ियाँ होती हैं, तो ये चूड़ियाँ अंदर बाहर जाती हैं, यानी हम इसको अंदर करेंगे तो ये व्हील को खींचेगी अपनी तरफ और व्हील आगे से बाहर हो जाएगा। और बाहर अगर हम इसको लूज करेंगे तो ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और ये व्हील को बाहर की तरफ धकेलेगी, तो हमारा जो सामने से व्हील है वो अंदर की तरफ होगा। यानी टो का मतलब है व्हील हमारा सामने से देखें तो ऐसे है या ऐसे है, अगर अंदर है तो टो इन है और बाहर है तो टो आउट है। तो इससे हम एडजस्टमेंट करते हैं टो की। इस तरह का सस्पेंशन होता है। तो व्हील अलाइनमेंट करने से पहले हम सस्पेंशन चेक भी करते हैं, और चेक करने में ये पार्ट हम देखते हैं कि चिमटा सही है, स्टीयरिंग सही है, या हमारी कोई बुशेस वगैरह तो नहीं कट गए हैं, एक्सल की हमारी क्या पोजीशन है, लीकेज तो नहीं है, शॉकर वगैरह लीकेज है या नहीं है, या हमारा माउंट में कोई प्ले तो नहीं है, ये सारी चीज़ ओके रहती हैं तो हमारी व्हील अलाइनमेंट की एक्यूरेसी अच्छी आती है। तो इस तरह से आप एक गाड़ी के सस्पेंशन को समझकर व्हील अलाइनमेंट का काम अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।